होंडा के बारे में बात करें, होंडा के बारे में, होंडा अच्छा खासा है इस बार, इस साल शायद ला सकता है। अच्छा हेलो। हाँ, हम ह्युंडई में एक चीज बात करना और भूल गए, ह्युंडई आपको वरना 2023 देखने को मिलेगी इस बार, जो एक प्रॉपर पक्का नया जनरेशन, हाँ वो पक्का है कि पक्का जनरेशन आपको नई पूरी देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत पक्का बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और इस बार ये भी चांसेस है कि ये लोग इंजन अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि वो ऑफकोर्स ज्यादा वर्टोस के आने के बाद वरना की सेल्स बहुत डाउन गई है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इतना नहीं है। मैं तेरे को एक चीज़ और बताता हूँ, हम वरना भी गए थे एक बार देखने के हाँ लिए, तो उसका फोन आया था मेरे पास कि सर आपने जी वरना का इंक्वायर करा था कि आप क्या सोच रहे हो। मैंने उसे बोला कि नहीं नहीं सर, वरना तो नहीं ले पाएंगे, वर्टुस ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, मैं सेम सिमिलर प्राइसिंग में, तो हम हाँ उसके लिए जा रहे हैं। उसका एकदम उतर, क्या अच्छा वर्टुस सर, अच्छा, उल्लो अब तो उसका, उसको ह्यूंडई वालों को ये बात पता है कि वर्टुस के हाँ सामने हम लोग लूज कर रहे हैं, और हैवी लूज कर रहे हैं, हाँ क्योंकि एक तो लुक पुराना हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा यार वरना एक पॉलिश चीज बताऊंगा ना, वो एक क्लासिक चीज थी, बहुत टाइम तक बहुत अच्छी दिखने वाली चीज है भी अभी, बट अब ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं हाँ, मैं जिसकी उससे वजह से वो थोड़ा कंपटीशन में स्टैंड ऐसी चीज आउट आ हो गई है ना रहा। कि आप वो करो, क्योंकि पहले भी वर्ना और सिटी एक साथ एग्जिस्ट करती थी। सिटी को मेनली फैमिली ओरिएंटेड माना जाता था, वर्ना को माना जाता था परफॉर्मेंस वाली गाड़ी। हाँ अब परफॉर्मेंस में यार सामने वर्टोस वर्टूस है, स्लाविया है, तो दिखने में भी अच्छी थी पहले भी एग्जैक्टली वही वरना। मेरी बात है ना। अब लोग क्या करते हैं कि सिटी की भी सेल्स डाउन गई है फिलहाल, सिटी ऑफ कोर्स ही बात है अभी बिकती वर्ना और वो वर्टूस और स्लाविया से ज्यादा ही है, क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू के उससे बना हुआ है, बिल्कुल लेकिन कंपेरेटिवली उसकी सेल डाउन गई है। क्यों? अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि फैमिली गाड़ी लेनी है स्लाविया ले लो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लेनी है वर्टूस ले लो, चलती दोनों भयंकर चलती है। दोनों हाँ भयंकर है, ठीक है, क्योंकि सिंपल बात है, स्लाविया थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड लगती है सामने से, स्लाविया लगती है कॉर्पोरेट गाड़ी, कॉर्पोरेट गाड़ी वो बिल्कुल ये है कि मानता आप हूँ। बॉस हो ना, आप स्लाविया सुधरो आप अच्छे लगोगे। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आपका थोड़ा मतलब हिप्पी वाला थोड़ा वैसा है ना कि आपका थोड़ा नहीं यार, शो बिजनेस में मानूंगा वर्टुस भी ऐसी है, कॉर्पोरेट है ना, मैं कोट पहन के बैठ सकता हूँ उसमें, बड़ा प्यार बैठ सकता है, लगूंगा। लेकिन स्लाविया थोड़ी सी बोल रही है सोफिस्टिकेटेड सी गाड़ी है, समझ रहा हूँ, मैं वो चीज समझ रहा ठीक हूँ। है। होंडा की बात करें, होंडा में ला रहे हैं HRV, व्हाट इज ये HRV? स्पेक्युलेटेड है कि हाँ HRV आएगी, हाँ अब पक्का नहीं कि HRV आएगी नहीं, कि HRV बेसिकली एक क्रेटा सेल्टोस की सेगमेंट वाली गाड़ी है ओके जो कि आ सकती है। अब जो कंफर्म लॉन्च है, क्रेटा सेल्टोस से छोटी होगी ये, नहीं बड़ी है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर लेंथ है, सेम है सिमिलर लेंथ है, सिमिलर साइज मतलब। यार। WRV कहाँ की है? हाँ WRV WRV सब 4 मीटर में आती है ना, ओके, ये उससे हाँ बड़ी है। ये उससे बड़ी है, तो WRV पक्का आने वाली है इस साल, ये बात हमारी हाँ पक्की है। WRV यही है जो बाहर लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक ओके है, तो दिखने में WRV बहुत ज्यादा अच्छी है, पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले एक वही ऐसा ऐसा लगता था कि हैचबैक है, उसको एलिवेट करके हल्का सा बेच रहे हैं, ये प्रॉपर एक SUV वाली फील दे रही है। HR वो सॉरी WRV दिखने में भी अच्छी लग रही है, और सिटी 2023 का चांसेस है लॉन्च होने का। अब जनरेशन चेंज नहीं होगी, आपको सिर्फ जो है एक माइल्ड फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वही बात है, अब सेल इन्हें भी अपनी ऊपर करनी है, क्योंकि सिटी एक हीरो प्रोडक्ट है फिलहाल उसके होंडा लिए, के लिए होंडा के लिए, और अमेज का तो इनका कोई तोड़ ही नहीं, क्योंकि अमेज बहुत ज्यादा वो है, वी आर, वो जिस प्राइस पे है, हाँ वो जो चीज बहुत है। ज्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर करती है, बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर करती है आपको यार, 12 लाख रुपए में सेफ्टी अच्छी खासी मिल रही है आपको, स्पेसिफिकेशन अच्छी, इंजन स्पेसिफिकेशन अच्छी खासी ठीक मिल है रही है आपको, ठीक लुक्स बहुत प्यारे मिल रहे हैं, बोल्ड लुक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और माइलेज आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो होंडा ओवरऑल सही है, पर मैं ये मानूंगा कि अभी तक सो रहा है होंडा, और होंडा को जागने की जरूरत है। अगर होंडा आ गया तो होंडा एक ऐसा सो रहे चीज है हैं। जो जिसको आप स्कोडा फोक्स वैगन इन सब के लेवल पे रख सकते हो, और क्योंकि प्लस होंडा की क्वालिटी अनमैचेबल है। प्लस भरोसा इंडिया वालों को, हाँ इंडिया वालों को होंडा भरोसा है पहले होंडा कितनी पे, बिकती थी ठीक यार, है होंडा। क्योंकि अगर आज भी होगा ना, कोई बोलेगा यार होंडा ले लो या फोक्सवैगन ले लो, तो नॉर्मल जो हमारे पेरेंट्स वाली एज है ना, वो ये सोचेंगे नहीं, होंडा होंडा तो होंडा होंडा ही ले है। लो हाँ होंडा तो यार। जानते हैं ना ऐसा। मैं एक बात कोट कर सकता हूँ, 90% इंडियंस की ना ड्रीम कार होंडा सिटी रह चुकी है, जो हमारे पापा लोग हैं ना, अपने पापा से एक बार खुद जाके पूछना कि आपको होंडा सिटी कैसे देते हैं, वो साफ सीधा बहुत बोलेंगे कि यार मेरा बहुत मन है एक टाइम पे कि मैं होंडा सिटी रखूँ अपने पास, वो हमारे साथ भी है, पापा को भी होंडा सिटी वो बहुत पहले से पसंद, जब वाला आता था जो उसकी एकदम सेकेंड जनरेशन जो थी, इसके मैं बाद फोटो डालूंगा उसके सेकेंड पापा जनरेशन का। अंकल ना एक दिन वो हो गए थे कि होंडा सिटी लेनी, होंडा सिटी, तो वो वेंटो वेज को होंडा सिटी ले रहे थे, हाँ ऊपर से ज्यादा पैसे फिर डाल मैंने के फिर याद मैंने दिलाया, रुक जाओ अब भाई। बात यह है कि होंडा सिटी क्योंकि नई आने वाली है, तो होंडा पुरानी वाली सिटी को जो है फेज आउट करना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, स्टॉक निकालना नहीं शुरू कर वो रहा है, तो इसलिए डिग्रेड कर रहे थे बल्कि उल्टा। हाँ, तो वो कम प्राइस में बेच रहे थे बेसिकली, हमें टॉप मॉडल मैनुअल में पेट्रोल में 1585 का मिल रहा था,
तो पापा को डील अच्छी लग रही थी कि यार ले लेते। मैंने उन्हें सिंपल पहले बहुत मनाया बहुत मनाया, फिर मैंने सोचा कि यार मैं फालतू भैंसबाजी कर क्यों रहा हूँ, चलो चलो मैं एक काम करो आप जाओ टेस्ट राइड लेके आ जाओ। उन्होंने टेस्ट राइड ली, टेस्ट राइड लेते अपने गाड़ी में बैठे, मैं फोन किया कह रहा अभिनव तो बिल्कुल बात सही बात बोल रहा था, कह रहे क्या ये उठ क्यों नहीं रही है, बस एक्सीडेंट में पैर रखा हुआ है, एक ही जगह पे खड़ी खड़ी चल रही है, ये भाग क्यों नहीं रही थी। कह रहे फिर कह रहे कि मैंने उन्हें बोला कि यार ये तो बिल्कुल चल ही नहीं रही, कैसे आप वेंटो अपग्रेड करो कैसे चलेगी वेंटो, तो आप ऑलरेडी एक अच्छा प्रोडक्ट चला रहे हो। तो होंडा वाले खुद मानते हैं कि फोक्सवैगन की चलाने में उसमें वो नहीं है। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, पापा ने मेरे को एक चीज और ये बोली थी कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इंटीरियर की जितनी फोक्सवैगन में देखने को मिलती है, बट स्पेस हाँ और क्या बात है बहुत ज्यादा स्पेस है। अरे नहीं जा रहे हो वापस आ सिटी की तारीफ करने लगे थे, कहाँ जा किया की बात नहीं करी यार हमने, किया कुछ किया ला रहा है किया सेंटोस का फेसलिफ्ट आने वाला है इस साल, कंफर्म्ड है आप पॉसिबल बात है, और जो कि अच्छा लग रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सही बात है ना, सेंटोस खेलती लुक्स पे सेल्टोस अभी भी अच्छी लग रही है बहुत सुंदर, मैं एक बात बोलूंगा सेल्टोस अपने सेगमेंट की सबसे सुंदर गाड़ी है, सुंदर गाड़ी चाहे तुम कुशाक ले आओ सेल्टोस अभी भी सबसे सुंदर लगती है गाड़ी देखने में, और नया वाला और बोल्ड लग रहा है देखने में। सेल्टोस की कल जो है वो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, पहला टेस्ट मूल जो है वो इसका इंडिया में हमने स्पॉट कर लिया है। सोनेट का फेसलिफ्ट इस समय सोनेट का फेसलिफ्ट भी इंडिया में आ सकता है इस साल, और ये जो है K4 कार्निवल हाँ ये ऑटो एक्सपो में शोकेस किया करा गया था, कार्निवल का जो फेसलिफ्ट है अभी तक जो कार्निवल इंडिया में आ रही थी वो हर जगह इंटरनेशनल मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, उसके बाद इंडिया में लॉन्च करी गई थी, इसीलिए वजह से जो है वो इंडियन को थोड़ा बोला कि यार तुम पुराना प्रोडक्ट में बेच रहे हो इन्वेंट्री खाली करने के लिए। ये वाला जो वेरियंट है ये ऑलरेडी 2020 से इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करा जा रहा है, क्योंकि इंडिया में इस साल चांसेस है कि कार्निवल को दोबारा लॉन्च करा जाए, और अगर ये लॉन्च होते तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट है और सेफ्टी वगैरह भी ठीक ठाक है इसकी। तो कार्निवल अच्छी गाड़ी है, कार्निवल मेरे को पहले भी ठीक लगती थी, बस ये कि उसका लुक बहुत ज्यादा पुराना था, वैन कल्चर नहीं है ना, आप एक इनोवा से भी बहुत बड़ी है, स्पेस और इनोवा जहाँ टॉप कर देती है ना वहां से अप्रोक्सीमेटली शुरू होती है इसकी प्राइसिंग वगैरह, इस वजह से थोड़ा सा पंगा पड़ जाता है इसका। तो वही है, इसको लेने के लिए माइंडसेट अलग ही चाहिए, क्योंकि सिंपल बात है कोई बंदा 38 लाख 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उसके माइंड में यही आता है कि मैं थोड़े पैसे और डाल के एक वो ले लूं फॉर्च्यूनर वगैरह कुछ, फॉर्च्यूनर ले लूं कि वो है उस सेगमेंट में चल जाते हैं कि वो एक फिर प्रीमियम उसमें चल जाते हैं एसयूवी सेगमेंट, ये वो है लॉन्ग ट्रैवल और शॉफर ड्रिवन टाइप लंबी चीज हो जाती है, ये वो यही भी कॉर्पोरेट वही है, आप एक बॉस हो आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल बड़ी हो दिखने में और जिसमें बस मैं हर समय पीछे बैठे बस। बात करते हैं टोयोटा के बारे में, टोयोटा इस साल जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं अपने, लेकिन टोयोटा में ये बोलूंगा टोयोटा अभी एक तो हाइलेक्स की भी वो आ रही थी, कुछ हाइलेक्स आ चुके, हाइलेक्स का एक वेरिएंट आ रहा था पता है, वेरिएंट कौन सा, नहीं हाइलेक्स कोई वेरिएंट एडवेंचर करके कुछ आ रहा था मैंने सुना था, हाइलेक्स का भी कुछ नहीं, चलो अगर कुछ आता है तो अलग से आ जाएगा। इनोवा क्रिस्टा जो पहले तक आती थी उसका फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, डीजल में आने वाली है पूरी तरीके से, फोटो आपके सामने आ रही है यही है जो क्रिस्टा नई वाली आई है, टैक्सी खरीदी है या फिर आपको एक प्रॉपर एमपीवी चाहिए तो आप क्रिस्टा की तरफ जाओगे, हाई क्रॉस आप तब लोगे अगर आपको थोड़ी एसयूवी जैसी अपील चाहिए गाड़ी में लेकिन आपको स्पेस जो है एमपीवी वाला चाहिए तब आप जो है वो हाई क्रॉस की तरफ जाओगे, तो उन्होंने अच्छा खासा डिफरेंशिएट किया जो की एक अच्छी टेक्निक है मेरे हिसाब से, उन्होंने अच्छा खासा कर दिया। फॉर्च्यूनर के चांसेस है कि इस साल एक नई जनरेशन उसकी लॉन्च हो सकती है क्योंकि अभी तक जो है वो अपग्रेड, इसके बारे में बात की जिसके तू देख रहा है मैं बताता हूँ इस बारे में, ये हैरियर की कॉपी क्यों लग रही है मेरे को बताता हूँ अभी कौन सी, अच्छा अच्छा ये बताता हूँ तेरे को, तो फॉर्च्यूनर का एक जनरेशन चेंज हो सकता है कि इस साल के एंड तक जो है इंडिया देखने को मिल जाए जिसमें शायद से सनरूफ भी आने वाली है, चांसेस है कि सनरूफ आने वाली है, अरे नहीं नहीं इंडिया में जरूरत क्या गर्मी होती है लेकिन को वो एक बात वही लग रही है कि यार आप सनरूफ डालोगे आप प्राइसिंग 65 लाख रुपए पहुंचा दोगे उसकी, तो फॉर्च्यूनर का बात है कि आप फीचर डाल के आप उसकी प्राइसिंग बढ़ा रहे हो कोई सेंस नहीं है, अगर आप सेम प्राइस में फीचर ऐड कर रहे हो तो एक बार मान सकते हो कि हाँ फिर आप एक जस्टिफाई कर रहे हो उस प्राइस, अब वो उस चीज पे खेल रहे हैं ना फॉर्च्यूनर के अलावा हम कुछ हमारे ब्रांड वाली पे खेल रहे हैं वो वहां, और मैं सच बता रहा हूँ एक प्रोडक्ट अच्छा आ गया ना मैं कह रहा हूँ आज की डेट में टाटा ही अगर इस सेगमेंट में उतर गया ना आगे तो फॉर्च्यूनर की प्राइस एकदम स्लैश करेगा। बात करूं ऑल्ट्रस G4 देखिए लोगों ने,
ठीक है, नहीं देखी लोगों ने, भाई देख ही नहीं पा रहे हैं उस चीज वो को, मैं बता रहा हूँ ठीक है। हीरो प्रोडक्ट था वो अपने टाइम का, हाँ वो जिस समय डिसकंटिन्यू हुआ है ना उस हाँ समय, वही बात है, अच्छा प्रोडक्ट जब डिसकंटिन्यू हुआ तब बोलते हैं यार ये अच्छा खासा प्रोडक्ट है इसको डिसकंटिन्यू, खरीदा क्यों नहीं? भाई ठीक है ये इसके, सेम लोग है घर में फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है फिर कह रहे हैं ऑल्ट्रा G4 बहुत अच्छी गाड़ी थी। ठीक है उसके अलावा एंडेवर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा भाई साहब ठीक है। एंडेवर जब तक थी हाँ ना इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये प्राइसिंग मैं वही तो बढ़ाते, अभी तो बोल मैं रहा वही हूँ। तो कह रहा हूँ हाँ इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये प्राइसिंग बढ़ाते हल्की सी भी। एंडेवर की तो एंडेवर बात के भी नहीं जाने कर के बाद सकते हुआ ठीक है ये जो 10 लाख में है। प्राइसिंग हाइक करा इन्होंने। उसके बाद अब यार MG वो है क्या है, यार ग्लॉस्टर MG है ग्लॉसर है पर उसमें कोई पर बात है ब्रेकडाउन इश्यूज की हाँ वजह से कोई इतनी ज्यादा बिकती हाँ नहीं है। जीप मेरिडियन है गाड़ी वो भी जीप बहुत बड़ी है MG ग्लॉस्टर, अगर बहुत बड़ी रिव्यू है, देखना तो गाड़ी 5 मीटर बहुत की अप्रोक्सीमेटली लेंथ है भाई उसकी, बहुत ठीक ज्यादा बड़ी है है। 5 मीटर में गाड़ी आती है वो। एक फोटो आ रही होगी शायद स्क्रीन पे, मतलब वो उसका थंबनेल लिखी हो उसमें मैं खड़ा हूँ ठीक है, मेरा प्रोफाइल देख लो इस समय ठीक है, किसी और कार के आगे खड़ा होगा तो दिखा दूंगा, उस कार के देखना वो ऐसा लग रहा वो है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भी वो उसके जो सामने फोटो खिंचवाई थी ब्लू वो व्हेल और बहुत हाथी का बोल हाँ दिया थे, हाँ तो वो वो बहुत बड़ी गाड़ी है गाड़ी बट बहुत बढ़िया पर वही बात है वो इतना ज्यादा अपील नहीं करती है ठीक लोगों है। को। इस सेगमेंट में फर्स्ट जो ADAS लेकर आई थी हाँ इस सेगमेंट में ठीक, फर्स्ट जो फर्स्ट जो ADAS लेके आई ADAS थी, लेकर आई थी ठीक बट है, और इस सेगमेंट में सेम सेगमेंट जीप मेरिडियन भी आती है, उसकी हाँ भी वीडियो हमने कवर कर रखी है, उसका ड्राइव रिव्यू आ रहा है उसको वो भी गाड़ी चेकअप कर थोड़ी छोटी लीजिएगा। हो जाती है वो बस। गाड़ी बस हाँ ये कि लेंथ में अप्रॉक्सिमेटली शायद से सेम है लेकिन हाइट में थोड़ी छोटी होती है, प्लस वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड फैमिली वाली लुक देती है, इस वजह से फॉर्चुनर की जो ऑडियंस है वो उसकी तरफ नहीं जाती, ठीक है, वरना गाड़ी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिस वैल्यू पे वो आती है वो हाँ प्रॉपरली अपनी जस्टिफाई करती है वाले को, 44 लाख रुपये में वो बहुत अच्छी गाड़ी है। पर बात है अभी जब हम फॉर्चूनर बोलते हैं ना तो फॉर्चूनर इस डायरेक्टली लाइक कि मैं चला रहा हूँ टॉरे के लिए ठीक है, मैं उतरूँ तो वो जो सफारी में फील आती है, वो जो स्कॉर्पियो में फील आती है, उस लेवल की फील आनी बस चाहिए, बस बस वो चीज़ है इसीलिए है। वही फॉर्चूनर में जो फील आती एक है। और जो गाड़ी आने वाली है वो टोयोटा का, अभी तक बहुत टाइम से 3-4 साल से यही काम चल रहा है, मारुति की गाड़ी है उसको रीबैच करके निकाल दो, तो फ्रॉन्क्स आएगी, फ्रॉन्क्स को रीबैच करके जो टोयोटा के अंदर भी लेके आया जाएगा क्योंकि बिल्टअप 4 मीटर में फिलहाल टोयोटा के पास कोई भी SUV वगैरह नहीं है, अर्बन क्रूजर को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और वो नहीं लाने वाले उसको, तो फ्रॉन्क्स को ही वो लोग जो है वो रीबैच करके लेके आने वाले हैं। ठीक है। अब ये इन्होंने थाईलैंड में 2 और गाड़ियां लॉन्च करके मारुति की रीबैच करके, इंडिया में थैंक गॉड नहीं लेके आए हैं इसको, जो कि है आपकी अर्टिगा और वो सियाज, ये तो वो है XL6 का कॉपी, ये अर्टिगा है, अर्टिगा हाँ है ये अर्टिगा है वो सियाज है, रीबैच करके बेच रहे हैं वो बेल्टअप। बाहर ग्लैंजा में। थैंक गॉड इन्होंने एक थोड़े से दिमाग लगाया कि भैया डिजाइन चेंज कर दो इस बार, अगर फेसलिफ्ट निकाल ही रहे हैं तो थैंक गॉड इन्होंने डिजाइन चेंज किया था कि डिफरेंस तो हाँ पता लग सके कि क्या क्या है, वरना पहले तो दोनों ही सेम थी। लोगो लोगो चेंज था हाँ भाई, पहले लोगो तो चेंज, लोगो चेंज लोगो की था। बात, वो एक इशू आया था, अच्छा वो उसमें आया था कि गाड़ी के इंफोटेनमेंट पे भी उसका नाम दिख रहा है हाँ किसी और हाँ का, तो हाँ ये शुरुआत तो उसमें ही अच्छा पंगा आ रहा था, फोक्सवैगन की जब टिगुआन वगैरह लॉन्च हुई, टाइगुन वगैरह लॉन्च हुई थी हाँ तो उसमें पंगा आया था, स्कोडा स्कोडा वो इंटर मैच किया था, प्लस पंगा और क्या आया था कि वो हो गया था पोलो जो बाहर 7th जनरेशन आती है वो हाँ उसकी स्क्रीन में दिखती थी टाइगुन की, तो लोग होता ओ माय गॉड फोक्सवैगन अपनी गाड़ी पे टीज कर रहा नहीं पोलो को। एक तो पोलो मैं बता रहा हूँ फोक्सवैगन के फैन बॉयज जैसे ना मैं भी उसमें से एक हूँ कि हमें थोड़ी सी पोलो की कहीं से न्यूज मिलती है ना कि आने वाली है हम ऐसे खुश हो जाते हैं भाई जैसे हमारी पोलो से शादी, तो पता है क्या, खुश तो मैं भी वो बहुत है हूँ, वो बहुत दिल खुश का हूँ मैं तो इमोशन भाई, है। पोलो चली गई वो ऐसा हो गया यार। टोयोटा की एक और गाड़ी जिसकी डिलीवरी इंडिया में शुरू हो चुकी है वो लैंड क्रूजर है, बहुत ज्यादा फुटपाथ महंगी, वाली फुटपाथ वाली नहीं, लैंड क्रूजर नहीं नहीं थी नहीं वो, नहीं नहीं वो यार लैंड क्रूजर नहीं थी वो कुछ और थी, वो थी सॉरी ये वो यार नहीं है, ये वो नहीं है, नहीं लैंड क्रूजर ही थी। लैंड क्रूजर थी पक्का, लैंड क्रूजर जस्ट अ मिनट गाइस विल जस्ट चेक एंड टेल यू, लैंड क्रूजर थी नहीं यार लैंड क्रूजर थी, लैंड क्रूजर नहीं थी, लैंड क्रूजर है हाँ लैंड क्रूजर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है, लैंड क्रूजर है ये ये फुटपाथ पता है, ये पता है, ये पता है, वाले मैंने बोले भी था मैंने जब मेहरा और डोगरिया थे ना हमने लैंड क्रूजर वहाँ पे देखी ऑटो एक्सपो में, हाँ हमने देखा हम दियो ने बोला कि यार ऐसी गाड़ियों फुटपाथ पे चढ़ाने का मन नहीं करेगा तो तुम्हारा, ऐसी गाड़ियों मैं खुद चढ़ा दूँ मैं, देखो गलती ओए क्या ड्राइवर रखेंगे ना हाँ लोग ड्राइवर रखा हो तो चलाएंगे हम बोलेंगे ड्राइवर ने करिए, हाँ ड्राइवर चलता तो ऐसी गाड़ियों में खुद चढ़ा दूँ फुटपाथ पे, है ऑफकोर्स मैं तब चढ़ाऊंगा जब खाली हो जब कोई सोना रहा हो उस पर, ठीक है। इस पे और भी देखेंगे, जंगल भी जाएंगे, हिरन को भी देखेंगे अरे बस बस वो जीप है वो जीप है क्या वो जीप पे करना है, वो अच्छा, ओपन जीप में था, ओके ओके जीप की ओके तरफ से इंडिया में कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला है इस साल जितना अभी तक हमें पता है, हो सकता है सब 4 मीटर में कुछ वो शायद से लॉन्च कर दे,
लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है। निसान शायद से डस्टर लेके आने वाले, निसान क्या थी रेनो की, सॉरी रेनो जो है वो डस्टर इंडिया में दोबारा लेके आने वाले। अब चांसेस है कि हो सकता है इस साल के एंड तक या मैक्स टू मैक्स अगले साल के शुरुआत तक डस्टर इंडिया में आ रही है, ये बात कन्फर्म है। इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक आएगी, ये बात पक्की नहीं है। तो डस्टर जो है वो इंडिया में दोबारा वापसी आने वाली है, जो कि डस्टर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी डस्टर भी बात वही है। थी, पोलो वाला टाइप, मतलब पोलो हाँ वाला टाइप नहीं, पर मतलब वो हाँ एक क्रिएट करी थी उसने हाँ लेगेसी जो है, ठीक है। और प्लस एसयूवी डस्टर मानते थे पहले। डस्टर उसे वही करने वाली है कि ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में शायद से वो दोबारा से उसे लॉन्च करेंगे, जैसे पहले एक बार ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में आई थी वो, तो वो बहुत अच्छी बात है। प्राइसिंग प्राइसिंग भी वही कर दो तो मजा आ भी जाए। वही रहेगी अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 14-15 लाख रुपए में, अगर वो उसका 4x4 आ जाता है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिर प्राइसिंग रहने वाली है उसकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो वो छोड़, बाकी ब्रांड्स है, BYD कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया में लेके आने वाला है, वो तो कमर्शियल है, नहीं BYD वैसे है नॉर्मल भी आ एटो जाएगा। थ्री वगैरह वो सब ओके उन्होंने लेके आने वाले। BYD शायद से एक सेडान लेके आएगा अपने इंडिया में इस साल, जो कि उन्होंने ऑटो एक्सपो में शोकेस किया, जो बहुत सुंदर है वो देखने में, पर वो एक बात है वो 35-40 लाख रुपए की आएगी, तो फिर वो इतना ज़्यादा सेंस बनाती नहीं है कि एक आप नए ब्रांड पे एकदम 35-40 लाख रुपए खर्च कर दो, जबकि इंडियन ब्रांड ही है, मतलब ऑलरेडी जो इंडिया में एक्जिस्ट कर रहे हैं ब्रांड वो अच्छी खासी ऑलरेडी गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बोलूँगा 40 लाख रुपये में BYD की कोई गाड़ी ले, अच्छा आप IONIQ 5 ले लो जो Hyundai की आती है, क्योंकि वो ग्लोबल ग्लोबल प्रोडक्ट है और सेफ्टी रेटिंग वगैरह सब चीज़ अच्छी है, दिखने में भी सब चीज़ अच्छी है। पर मैं बोलूँ 45 लाख रुपये तुम खर्च कर रहे हो यार, फिर थोड़े पैसे और डाल के BMW की X1 आ रही है, हाँ X1 का वो BMW तो बात करने भूल गए, X1 अभी अभी BMW ने इंडिया में लॉन्च करी है। थोड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम लगी इसमें, फेसलिफ्ट हाँ फेसलिफ्ट लॉन्च करा है, थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी कि उन्होंने इंजन बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, अंडर पावर कर दिया है, जो पेट्रोल इंजन है वो 130 हॉर्स पावर बहुत निकाल रहे लंबी हैं। वीडियो हो गई, तो एक बार मैं देख के भी आ जाऊँ हाँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो स्पॉटिफाई पर डालना पड़े ऑडियो ऑडियो पॉडकास्ट हो रही है, बंद हो गई। वो रही है 1 घंटा 2 मिनट की वीडियो बन। हाँ 1 घंटा 2 मिनट यहाँ पे भी है। तो पेट्रोल इंजन उसका 130 हॉर्स पावर निकाल रहा बैटरी है, खत्म होने वाली है उसकी। कोई नहीं, डीजल इंजन जो है उसका 150 हॉर्स पावर निकाल रहा है, तो एक तो अंडर पावर बहुत करती है X1 को, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो ऑडियंस हो सकता है लूज कर जाए, कि क्योंकि सेम प्राइस में आपको वो देखने मिलती है 2 सीरीज ग्रैंड कूपे जो कि 190 हॉर्स पावर प्रोवाइड करी है सेम प्राइस में, तो फिर वो फिर सेंस बनता नहीं है उसका लेके। तो X1 ठीक है, अच्छी बात है लॉन्च करी BMW। और कुछ गाड़ियां भी इस साल लॉन्च करने वाला है, 3 सीरीज M43 आए लॉन्च होने वाली है, नई 7 सीरीज आने वाली है इस साल, BMW की तो काफी आनी है अभी, BMW की बहुत आनी BMW है, नई बहुत वाली आनी, 7 सीरीज बहुत आनी है, नई वाली आनी। X7 आनी है, 3 सीरीज का नया फेसलिफ्ट आ चुका है वैसे ऑलरेडी। एक ये चीज भी बोलूंगा, BMW के हर कार का फेसलिफ्ट हर साल आता है, हाँ अप्रोक्सीमेटली वो लोग मतलब अप्रोक्सीमेटली रिफ्रेश करते रहते हैं वो अपने उसको। रिफ्रेश करते हैं हाँ कि वो बोलते हैं हम बड़ी कंपनी है तो हाँ करते मैं रहेंगे, उन्हें उन्हें मैं कुछ और काम नहीं है, हम ये हम रिफ्रेश करेंगे करते ऑफ कोर्स, रहेंगे, और जो कि अच्छी बात जो है कि अच्छी भाई, बात है, मजाक मेरे नहीं से करते। रिफ्रेश करना चाहिए। हाँ मजाक नहीं, तो अच्छी जैगुआर को बात मैं है। बोलूंगा कि इस साल कुछ अलग प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, एटलीस्ट XC को ही चाहे तुम लोग एक फेसलिफ्ट नहीं बोलूंगा मैं, जनरेशन चेंज दो और इंजन एक अच्छा खासा लॉन्च करो उसके साथ, ताकि वो भी ओके अच्छी खासी दिखे, मेजोरिटी कवर कर ली, मेजोरिटी हो चुके हैं, मेजोरिटी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे के सारी बारे कवर में हो चुके हैं बात। मेजोरिटी, क्या इसके अलावा और कुछ बचा है नहीं, बुगाटी इंडिया में डील ज्यादा करता है नहीं, एस्टन इसुजु मार्टिन इतना नहीं बिकता, इसुजु लेक्सस फरारी, ला फरारी आ रही है इस बार मेरे घर, ला मेरे फरारी मेरे घर आ रही है, भाई ठीक मैं है। कह रहा सरस्वती बैठी होती है एक टाइम पे, सची ना हो जाए कहीं मजा आ जाएगा, ला बहुत फरारी ज्यादा, अगर ला फरारी घर पे आ रही है ना तुम्हारे तो फिर गाइस मजा आने बहुत वाला है, अगर इसे घर पे ला फरारी आती है तो देहरादून में मीटअप होने वाला है बहुत बड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत जितने ज्यादा। बंदे आना चाहो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा देहरादून ही बुक कर देंगे उठा के, सपने देख लिए, आगे बात सपने करते देख हैं लिए, मार दो कोई अब सच करेंगे। इसूजु यही था की। इन सारी गाड़ियों के सो बारे में दिस वाज ऑल अबाउट कि इस बार कौन सी सारी गाड़ियां आने वाली गाड़ियां। है, और 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आप ऑफकोर्स सी बात है इसे पार्ट्स 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 में देख रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा 4 मिनट की तो हम डालने नहीं वाले, क्योंकि भाई बैंड बच जाएगी, तो आपकी भी अपलोड करने में भी, अब आई बात यह है एंटर करने में भी। रेंडर करने में भी हर चीज में। हाँ यही था इस वीडियो के बारे में, ये वीडियो पता नहीं कितनी GB की बनी होगी। हाँ सो अभी वीडियो को एंड करते हाँ हैं, पुरानी वाली वीडियो 5-6 वीडियोस में इस पूरी प्लेलिस्ट में हम ये बाय नहीं बोल पाए, सो अब हो हाँ रहा है फाइनल, गुड हाँ ये एक बाय। बार हम बाय बोलेंगे इसको हर किसी के एंड में लगा दूंगा मैं नहीं वो मजा सा नहीं आएगा भाई, किसी के एंड में। ठीक है। तो हाँ भाई अगर अच्छा आप लगेगा। ये वाले एंड हाँ देख रहे हैं तो हाँ ये मान लीजिए ये एंड लास्ट का है, तो अभी आप वीडियो बंद करके वहां पे भी जा सकते हो हाँ नहीं और वैसे ये देख, फाइनल वाला एंड है, ये ये सब फाइनल क्या वाला मैं एंड, कट कर दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट में एक वो इफेक्ट डाल दूंगा कि ताकि लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइट हो जाए, ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं आउट्रो की। हाँ
तो एंड वीडियो पसंद लाइक करने डिसलाइक करने कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, क्या सजेशन है रीजन में रिलेटेड, सब्सक्राइब करो क्रिकेट लास्ट सेकंड से ग्रे कर दीजिए, पहले उसको ऑल पर दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके अच्छे से नोटिफिकेशन आ जाए। इस बार वीडियो से इतना ही, नई वीडियो हम आपके लिए ऐसे जब लेकर आते रहेंगे। अगर ऐसी टाइप की वीडियो आपको पसंद है, पॉडकास्ट आपको देखना पसंद है, तो हम और ऐसी आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। वैसे आप बोले ना बोले हमें एक वीडियो और शूट करने वाले हैं, इसके बाद बाइक्स बाइक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी बाइक्स इसमें इंडिया में आ सकती है। एक मुझे सेक्शन मिला ओला कार्स इन इंडिया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओला शायद आ सकता है। हाँ, सो मे बी। तो यही था इस वीडियो के बारे में। ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। और पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई गोबो ज्यादा बोला करो। मैं कम बोलता हूँ यार, कम नहीं बोलता हूँ, कम बोलने देता हूँ मैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. ये बोलने का देता है मेरे को। सेल्फ अवेयर होना बहुत अच्छी बात है गाइस। हाँ, मैं सेल्फ अवेयर होना बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत कोशिश, ये शायद भी इस पूरी प्लेलिस्ट में देखा होगा, मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करता हूँ टेक ओवर कर दिया। अब मैं तेरे को बोलने दूंगा भाई यहाँ से। एक घंटा बहुत बोलता है यार, एक घंटा 6 मिनट की वीडियो है, इसने मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट बोला होगा, बाकी सारा मेरी बकवास है। तो क्योंकि बात पता है क्या है, ये बोलता है मेरे को समझ आता है आगे क्या बोलने वाला, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, वो आगे का प्रेडिक्ट कर लेता है। अब तो कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज। अब पता है क्या, वो भी हो जाता है उसका, यार कुछ गलत बोल रहा था क्या मैं। ये हो जाता है कि फिर याद आता है यही बोलना था मेरे को। एग्जैक्टली। सो दिस वाज ऑल अबाउट सारी कार्ड्स जो भी आ सकता है, और अगर बोर कर दिया हो तो माफ कीजिएगा। बाकी वीडियोस बोतल पकड़ के माफी है, मेरी बॉडी का भी खत्म हो गई, सारी चीजें ले जा रहा हूँ। और पानी पी यार, पानी मैं पी के देखूंगा। पाउडर दोबारा करना पड़ेगा। सो अगर बोर किया हो तो यार सॉरी, अगर और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे वो जाके देखते हैं, मजेदार है, आएगी कुछ भी। अगर आप चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें तो हमें बता दीजिएगा। यार एक चीज सबसे पूछनी थी मुझे, तुम लोगों की जो सबसे फेवरेट वीडियो है ना आज तक की, लगभग 100 120 करीब 120 वीडियोस डाल चुके हैं, एक वीडियो बताओ जो सबसे ज्यादा फेवरेट है मुझे। पहली वाली मत बोलना, हेटर वाली अगर किसी ने बोली मैं बता रहा हूँ, उसमें ये ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल यूं लग रहा हूँ। अच्छा उस वाली वीडियो में तो मैं था भी बहुत ज्यादा मोटा। हाँ, और मैं था भी बहुत ज्यादा पतला। हाँ, मैं मोटा, उसके ऊपर मैंने एक जैकेट पहनी है, मतलब पूरा कॉलेज की ड्रेस पहनी है, उसके ऊपर मेहरा से एक जैकेट मांगी है, फिर वो पहनी है, फिर वो पूरा लगा हो पीछे से ट्रक जा रही है टेड़े टेड़े करके। भाई उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। हाँ। और जबकि माइक भी था उस समय हमारे पास, उस समय लेबर माइक से करते थे तभी भी आवाज आ रही थी। अब तो ये क्या हमें पता लग गया वॉइस आइसोलेशन कैसे करते हैं, अब कोई ढंग की बात नहीं। ऑडियो क्या बढ़िया आती है आपको बता रहा यार। हाँ। ऑडियो ऑडियो क्वालिटी कैमरा क्वालिटी कैसी आती है। और सब्सक्राइब करो, जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले, जल्दी से जल्दी हम 1000 पे पहुंचे, उसके बाद जो है वो कैमरा क्वालिटी वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ जाएगी आपको, और कंटेंट भी जो हम और अच्छा आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अभी भी अच्छा ही करते हैं, अब जितना बेस्ट हो पाता है हम उतना करते हैं। जैसे जैसे आप जितना आपका प्यार बढ़ते रहता है, हम उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको उतना ज़्यादा डिलीवर कर पाएं। हम आपको ये चीज़ बताते हैं, 5 वीडियोस रेडी पड़ी थी हमारे पास जो ड्राइव वीडियो से हमने अपलोड नहीं करे और ना ही हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी नहीं मिल रही उसमें। हमें हमारा अपने अंदर से मन नहीं कर रहा, और छोटी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी। हाँ, 2 वीडियोस फ्रॉम मर्सिडीज, 2 मर्सिडीज की वीडियो हमने इस समय रिजेक्ट उसमें ट्रैश कैन में डाल रखी, क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा, वही नहीं था वो, वैसा हो रहा है कि यार एंगेजिंग नहीं लग रहे थे। तो लेट्स सी, अब हम आपसे लेते हैं अलविदा।